मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए, मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए। बरखा शीतल बन के बरसे, बरखा शीतल बन के बरसे, साईनाथ फिर आए, मंगल घन घिर आए, मंगल घन घिर आए, साई लौट आए, साई साई लौट आए। क्षण बिरहा के बीत गए जो बिन साई युग लागे, धरा गगन ये जन शिरडी के बिन साई थे अभागे। जागे भाग जो लौटे है साई, जागे भाग जो लौटे है साई, शुभ ही शुभंकर लाए। नन्ही को
कुलकर्णी सरकार, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त अपने गुस्से पर काबू रखने का है। बाजी पलट जरूर गई है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और अब क्या होना शेष रह गया है रत्नाकर राव जी? आपने कहा था आपका दिलावर उस बैरागी से हमें मुक्ति दिलाएगा। आपकी बात मानकर उस दौ कौड़ी के दिलावर से अपने मान सम्मान की दज्जा उड़वा ली मैंने। मन महसूस कर अपमान का घोट पीता रहा मैं, और आपके दिलावर ने क्या किया? क्या किया सरकार? हम बताते हैं दिलावर ने क्या किया। हम भी गए थे गांव वालों के साथ आपके लिए समाचार लाने। हाँ सरकार, वो दिलावर वो तो अचानक से पलट गया सरकार, अचानक से। साई को अपना चेला बनाने वाला दिलावर खुद, सरकार खुद उसका चेला बन गया। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा, और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। भक्त बन गया उस बैरागी का, उसके उसके चरणों में गिर पड़ा है वो दिलावर। और उसके बाद वो साईं का गुणगान करने लग गया, फिर उसके बाद गाने गाने लग गया, रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, रहम नजर, रहम नजर साईं, रहम नजर। हम तो बस बता रहे हैं, गाना तो दिलावर गा रहा था। हाँ सरकार, समझ में नहीं आता दिलावर जैसा आदमी ऐसे ऐसे बदल कैसे सकता है, असंभव है ये। अब तो आप रहने दीजिए रत्नाकर जी, लेकिन भूल मुझसे हुई है कि मैं आप पर विश्वास कर बैठा। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था मुझ जैसा शक्तिशाली सक्षम व्यक्ति उस बैरागी का बाल भी बाका न कर सका तो आपका दिलावर किस खेत की मुली। कुलकर्णी सरकार, ये मैं इंग्लैंड से लाया था। ब्रिटिशर्स इसे अपनी जेब में बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। इसे पहचानते हैं आप रत्नाकर जी? ये घड़ी आपने मुझे दी थी समय का स्मरण रखने के लिए, लेकिन लगता है इसे मुझे देने के पश्चात आप समय का महत्व भूल गए हैं, अन्यथा आपका आपके सैनिक पर नियंत्रण होता। मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। साई, देखो क्या हाल है हमारी द्वारका माई का। तुम्हारे कहने पर हम सबने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे बिना द्वारका माई खुद को खंडर के सिवा और कुछ भी नहीं कहलाना चाहती थी। साई, आओ हम सब मिलकर एक बार फिर से अपनी द्वारका माई को द्वारका माई बनाए। साई।
शुक्रिया आप सबका। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों आप सब मेरी खातिर बहुत परेशान रहे हैं। मुझे शिरडी वापस लाने के लिए आप सब ने अपना काम काज छोड़कर बहुत लंबी यात्रा की है। आप सब अपने घर जाकर आराम कीजिए, थक गए होंगे आप लोग भी। लक्ष्मी, चंपा, तुम लोग भी अपने घर जाओ। नहीं साईं, हम लोग थकने गए हैं। हमें बहुत दिनों बाद अपनी द्वारका माई वापस मिली है, इसीलिए आज हम लोग बहुत जी भर के खेलेंगे। चल चंपा। थक तो तुम भी गए होगे साईं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे साथ घर चलो, वहां कुछ खा पी लेना। आऊंगा, शीघ्र आऊंगा भाईसा मां, भिक्षा मांगने के लिए। फिर तुम मुझे अपने हाथ से खिलाना। क्यों छोड़कर गए थे मुझे? हाँ, मैं कहीं भी चला जाऊं भाईसा मां, लेकिन माँ की नजर माँ के हृदय से दूर कैसे रह सकता हूं? तभी तो तुमने मुझे सपने में भी ढूंढ ही लिया। हाँ हाँ, जा रही हूं मैं, लेकिन अब तुम भी थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद ही भिक्षाटन के लिए निकलना। हाँ, चलती हूं। सब बहुत खुश हैं, जश्न का माहौल है द्वारका माई में। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुलभा, मुझे सब कुछ बता। साई कहाँ थे, किसके साथ थे, कैसे आए वो वापस? दिलावर अली के साथ रहा था मैं थे साई। अगर तुम दोनों योग्य होते, सक्षम होते, तो मुझे दूसरे किसी और की सहायता लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुम दोनों गोबर गणेश हो, गोबर गणेश। उस बैरागी को राहता में तुम दोनों रोक क्यों नहीं पाए? कोशिश की थी सरकार। निकम्मे हो, निकम्मे तुम दोनों। हरिओम, हरिओम। पानी तक नहीं है। तुम्हारे स्वामी वाड़े में थक हार कर आए हैं, उन्हें पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं है। बाहर पानी क्यों नहीं रखा?
ये लीजिए पानी और गुड़। दोबारा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। जी पंता जी, हम तो सरकार की मदद करने गए थे, सरकार खुश होने के बजाय हम पे ही गुस्सा हो रहे हैं। पंता जी, हमें सुलभा के बारे में सरकार को बता देना चाहिए कि ये गांव वालों की मदद कर रही थी। हो सकता है सरकार का गुस्सा और ध्यान दूसरी ओर चला जाए। शुभ कार्य में देर कैसी। सरकार, जो लोग उस बैरागी को ढूंढने के लिए गए थे उन सब में सबसे आगे आगे कौन थी जानते हैं आप? ये सुलभा। सच तो ये है कि इसी ने सभी गांव वालों की मदद की राहता पहुंचने के लिए। अब अगर ये ना होती तो ना साई मिलता न यहाँ शिरडी में लौट के आता। रुक्मिणी जी, सुलभा कल काम पर आई थी। जी नहीं। उससे पूछ कि वो कल कहां गई थी। जी, वो गांव से बाहर गई थी। गांव से बाहर मतलब कहां? अगर इसे मैंने दोबारा काम पे रख लिया है तो इसके बारे में सब मुझे मालूम होना चाहिए। साईं को वापस लाने राहत आ गई थी। उस ढोंगी के लिए तुमने हमारे घर में अपने कार्य को निम्न समझा? क्या यहाँ के दायित्व तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? सुलभा, साई ने मेरी मदद की थी। सरकार, अभी तो भीगी बिल्ली की तरह आपके सामने खड़ी है। सरकार, अगर आप वहां होते तो देख पाते इसका प्रचंड रूप। कैसे अपने ही पति को, सरकार अपने ही पति को सबके सामने खरी खोटी सुनाई इसने। और सरकार, वो बेचारा इसे और इसकी लड़की को अपनाना चाहता था। सुलभा, आज से तुम मेरे घर में रानी की तरह रहोगे, जैसे पहले रहा करती थी। मैं तुमको सौतन के साथ नहीं रहने दूंगा। बस, अब एक और शब्द बोलने की जरूरत नहीं है आपको।
हरिओम हरिओम। अगर तुम्हारे लिए इस घर का कार्य महत्वपूर्ण नहीं है सुलभा, तो अभी के अभी मैं तुम्हें काम से निकालता हूं। आत्मसम्मान की बातें उस बैरागी ने तुम्हारे मन मस्तिष्क में भरी है ना? एक स्त्री होकर अपने पति को त्यागने का दुस्साहस, तुझ जैसी स्त्री को वाड़े के आसपास भटकने की अनुमति नहीं है। आज के पश्चात मेरी चौखट पर कदम मत रखना। तुझ जैसी स्त्री अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूलकर समाज की महिलाओं को कलंकित करती है, समाज को भ्रष्ट करती है। तुझ जैसी स्त्री को केवल समाज से नहीं, गांव से बाहर कर देना चाहिए। और सुन, मेरा आभार मान कि मैंने तुझे केवल काम से निकाला है। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? निकलो यहां से और दोबारा यहां मुंह मत दिखाना अपना। जाओ। सुल्तान भाई के घर पर ताला, उन्होंने बताया नहीं कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं, और आंगन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भाईजान एक दो दिन पहले ही यहां से गए होंगे। हाँ, वैसे वो हमें बिना बताए गांव छोड़कर कभी जाते नहीं है। ऐसे अचानक अचानक चले जाने का क्या कारण हो सकता है? रेहाना, सलीम, साई, राम साई, राम जी भला करे। क्या बात है, परेशान क्यों हो? साई, सुल्तान भाईजान के घर पर ताला है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक दो दिन से कहीं चले गए हैं। अब वो यहाँ नहीं है साई, तो हमें चिंता हो रही है उनकी। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे बताकर सुल्तान जा सकता हो? हाँ, हरी भाऊ, वो सबसे खास दोस्त हैं भाईजान के, दांत काटी दोस्ती है उनकी। आपको यकीन नहीं होगा, हरी भाऊ और भाईजान दोनों का रिश्ता सगे भाई से भी बढ़कर है। अगर कोई भी बात होती है तो मुझे बताने से पहले भाईजान हरी भाऊ को बताते हैं और हरी भाऊ उनको। दोनों मिलजुल कर खेती करते हैं। भाईजान अपने खेतों के लिए हरी भाऊ के कुएं से पानी लेते हैं और हरी भाऊ खेत जोतने के लिए भाईजान के बैलों का इस्तेमाल करते हैं। यकीनन हरी भाऊ को जरूर मालूम होगा, लेकिन मेरे जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ, अब क्या करूंगी मैं, अपने भाऊ और वाइनी पे आश्रित नहीं हो सकती, उनकी मदद नहीं लूंगी मैं। अपना गुजारा करने के लिए कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। सुलभा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, गिर जाती तो चोट लग सकती थी तुम्हें। क्या हुआ है, कहाँ जा रही थी तुम? सुलभा, सब ठीक तो है ना सुलभा? कुछ ठीक नहीं है भाई सरकार। लेकिन हुआ क्या है?
आश्चर्य नहीं हो रहा है मुझे ये सब सुनकर। कुलकर्णी सरकार जैसे आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? एक तो वो साई से नफरत करते हैं और दूसरा औरतें उनकी नजरों में तुच्छ हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाई साहब, अपनी बेटी संध्या की चिंता है। रात मैं उसके बाबा को बोल के आई थी कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। मैं भी यहाँ नहीं था, पता नहीं भाईजान इस तरह से कहाँ चले गए, कहीं कोई मुसीबत में ना हो। सबुरी सलीम, सबुरी। यही है हरिभाऊ का घर। हरिभाऊ, हरिभाऊ। अरे सलीम, क्या हुआ? भाईजान कहाँ है? सब ठीक तो है ना? उनके घर पर ताला लगा है। मैं 2 दिन के लिए मनमाट गया था रजाइयां बेचने के लिए, कोई मुसीबत तो नहीं आई उन पर? आराम से सलीम, आराम से। तुम एक साथ कितने सवाल करोगे? प्रणाम साईं, प्रणाम। साईं, आपको वापस शिरडी में देखकर बहुत खुशी हुई। राम जी भला करें। अरे हरी भाऊ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बोलिए ना, आपको जरूर मालूम होगा कि भाईजान कहाँ है, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। सलीम, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम सबके लिए एक शुभ समाचार है। सुल्तान है ना, हमारे असलम के लिए लड़की देखने गए हैं, तुम्हारे भतीजे के लिए। क्या? हाँ, हमारे असलम के लिए लड़की देखने? हाँ। अरे देखने क्या, हम तो रिश्ता तय करके आए हैं। आप शांत हो जाइए साहब, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। ये क्या साहब? आपके हाथ को तो चोट लगी है। इन्हें देख रहे हो? जी। ये बच्चे नहीं है, ये शिरडी के तमाम चेहरे हैं। इनमें भी वही एकता है जो यहां के बड़े बुजुर्गों में है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी सुना है कि आधा गांव असंभव की तलाश में निकल पड़ा हो, न ठौर न ठिकाना, न रास्ते का पता, न मंजिल का, बस ठान लिया कि किसी को वापस लाना है तो चल पड़े। साई की शक्ति उसके भक्तों से है। प्रणाम। राम जी भला करें। सुल्तान भाई, क्या वाकई में असलम का रिश्ता हो गया? हाँ हरी, असलम का रिश्ता तय हो गया है। बहुत मुबारक हो मरियम आपा।
मुबारक हो सुल्तान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारा मुंह मीठा नहीं करवाओगे? अरे क्यों नहीं कराएंगे, तो करवाइए। बहुत मुबारक हो बेटा जान। लीजिए साईं, आप मुंह मीठा कीजिए। राम जी भला करें। असलम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, ये लो मुंह मीठा करो। ये लो रेहाना, तुम भी खा लो। भाई मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के वापस लौटने तक का इंतजार नहीं कर पाया। लड़की वाले जिद करने लगे तो बेहद जल्दबाजी के साथ हमें लड़की देखने जाना पड़ गया। आपने बहुत अच्छा किया भाईजान, शुभ से शीघ्रम। अरे चंदू रुको रुको, अरे अरे ये लो, अरे मुंह मीठा करो, हमारे असलम का रिश्ता तय हो गया है। आज से पहले हरी भाऊ को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। अरे खुश क्यों नहीं होगा। अरे असलम जैसे मेरा बेटा है वैसे ही हरी का भी उस पे हक है। ये हमारे घर की सेवैया से ज्यादा उसके घर की पूरन पूरी खा के बड़ा हुआ है। साईं, मेरा असलम नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, उसके लिए दुआ कीजिए, नजरे करम कीजिए मेरे बेटे पर। साईं राम जी भला करें। मुबारक हो असलम, जिंदगी के पहले पड़ाव को पार करके तुम दूसरे पड़ाव में कदम रखने जा रहे हो। अपने माता पिता, अपने चाचा चाची हरिभाऊ को देखो, इनसे बेहतर मिसाल तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सबक लो इनसे, और कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो इनसे बढ़कर मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। रिश्तों के महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख, इनके प्यार, इनकी एकता को देखो, क्योंकि एकता, एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। इन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी हद है, फिर भी ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, ये जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करके ही जिंदगी सुकून और शांति से जी जा सकती है, और यही हर रिश्ते, हर संबंध की बुनियाद है, आधारशिला है हर संबंध की। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे पर भरोसा करते हों, यहां तक कि एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान करते हों, तो कोई लाख बुरा क्यों ना चाहे, उनकी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मालिक भीमा, मैंने पंख उठाया था और तूने उसे तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा, और ये पंख मेरा था, तू झूठा है अली। नहीं, तू चोर है चोर, मेरा पंख उठा के अब तक कह रहा है। अच्छा मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा तो मैं भी नहीं खेलूंगा तेरे साथ, और आज से तू मेरा दोस्त नहीं, कट्टी। अरे क्यों तुम दोनों बेवकूफों की तरह लड़ रहे हो,
जिफरी तू बीच में मत बोल, ये हमारा आपसी मामला है। कट्टी तो कट्टी, तू नहीं है तो क्या हुआ? मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलूंगा। तू ठीक है, रख ले उन्हें अपने साथ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। और हाँ, आज से हम लोगों से बात नहीं करना तुम लोग। हाँ, नहीं करना तेरे से बात। चलो दोस्तों, नहीं खेलना इसके साथ। चलो क्या हुआ साहब? धनलाल, मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर लोगों को समझना है तो पहले उनके बच्चों को समझो, उनके बच्चों के व्यवहार को, उनके बर्ताव को अच्छी तरह से देखो, पैनी नजर रखो उस पर। अपने पिताजी की कही हुई वो बात मुझे आज समझ में आई। माफ करना साहब, लेकिन मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आई बात। नंदलाल तुम मूड हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये बच्चे आज मुझे एक चीज समझा कर गए हैं, ये लोगों के समूह को कोई ऐसी खास चीज, कीमती चीज जो उनकी पहुंच से बहुत परे हो, वो दे दो तो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उस खास चीज पर अपना व्यक्तिगत अधिकार समझने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उस खास चीज को पाने की उनकी लालसा बढ़ती जाती है, और बहुत जल्द ये लालसा लालच का रूप ले लेती है। और एक बार इनके मन में लालच आ जाता है तो फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। जब एक बार ये भावनाएं मन में आ जाएं, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। नंदलाल, मैं रिश्तों की इस डोर को जितना मजबूत समझता था, ये उतनी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा जोर लगाने पर टूट भी सकती है। वो साई इन गांव वालों को श्रद्धा सबूरी का पाठ पढ़ाता रहता है, पढ़ाए जितना जीत चाहे पढ़ाए, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर इनके सामने एक टुकड़ा फेंका तो ये सारे पाठ भूल जाएंगे और उस टुकड़े के पीछे भागना शुरू कर देंगे, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। हर किसी के लिए साई के उस पाठ पर अमल करना मुश्किल है, और इनकी इसी मुश्किल से मैं अपनी राह आसान बनाऊंगा। कितना सुंदर पंख था ये, और अब देखो इनके लालच ने इसकी क्या दुर्दशा कर दी है। भिक्षाम दे, भिक्षाम देही। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आप वापिस आगे साई। आपके मुंह से भिक्षाम दे सुनकर मन को चैन मिला और तसल्ली हो गई कि शिरडी में शांति लौट आई है। राम जी भला करे। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। तो फिर आ गया? काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। तू कितना भी नाक रगड़ ले, मैं तुम्हें काम पे नहीं रखने वाला हूं। चल निकल। नहीं सेठ जी, आप जितना चाहे डांट लो, जितना चाहे कोस लो,
लेकिन मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा ना मुझे परेशान मत कर। मैं काम तो क्या, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, चल निकल यहाँ से। नहीं सेठ जी, सेठ जी मेरी हालत बहुत खराब है, काम ना होने की वजह से ना ढंग से खा रहा हूँ ना जी पा रहा हूँ। चल हट यहाँ से। आज मैं असलम के पसंद की ही सारी चीजें बनाऊंगी खाने में। असलम भैया, अपनी आजादी के जितने मजे लेने हैं ले लो, क्योंकि चंद महीने ही बचे हैं तुम्हारे निकाह के, उसके बाद ऐसे सुकून से बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों भाईजान, मैंने सही कहा ना? अरे भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारे चचा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अभी तुमने मुझे घर में सुकून से बैठे हुए देखा है कभी? तुम्हारी अम्मी जान कभी मुझे चैन की सांस लेने देती है? और हम हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते हैं कि कहीं वो खफा ना हो जाए। क्यों सता रहे हो मेरे बेटे को? हाँ, और आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमें बड़ी फुर्सत रहती है। यहाँ बैठ के गप्पे कौन हाँक रहा है? हम? सही कहा आप। असलम बेटा, तू इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। शादी के बाद तू बेपनाह खुश और सुकून से रहेगा। शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती जरूर है, लेकिन उसे साझा कराने वाला, सुख दुख बांटने वाला एक हमसफर भी तो मिलता है, और इस हमसफर का साथ बेश कीमती होता है बेटा। अच्छा सुन, मैं और तेरी चाची जान तेरे पसंद का खाना बना रहे हैं। तू जा बाजार जाके बिरयानी का मसाला तो ले आ। हाँ भैया, अब इन सब की आदत डाल लो, शादी के बाद तुम्हें ये सभी सुनने को मिलेगा कि ये ले आओ वो ले आओ, घर में ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। जाओ ले आओ। भाईजान, खानदान की पहली शादी है और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ सलीम मियां, सही कह रहे हो। दरअसल इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। फरमाइए। देखो आजकल मेरी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे थोड़ी बहुत पैसों की मदद अगर मिल जाती। अब देखो ना, असलम भी घर बसाने जा रहा है तो उसके लिए भी अलग से कमरा बनवाना पड़ेगा, और ऊपर से निकाह का खर्चा। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे। ये लीजिए भाईजान, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अभी 2 महीनों का वक्त है और इन 2 महीनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, सब कुछ आपको करना है। असलम अगर आपका बेटा है तो मेरा भी तो भतीजा है, और फिर हमारे खानदान की रवायत रही है खुशियां और गम मिलकर बांटने की। इस मुबारक मौके पर हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने खर्चे बराबर बांटेंगे। आज आपको जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल को हमारे अली का निकाह होगा तो आप खामोश थोड़ी ना बैठेंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बन पड़ेगा उतनी तो मदद करेंगे ना अली की। जरूर जरूर जरूर। सलीम मेरे भाई,
शुक्रिया। अब मुझे किसी बात की फिक्र ना रही, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। मूलचंद जी। जी साईं। मूलचंद जी, आप तो बड़े भले इंसान हैं, सभी के साथ बहुत अच्छाई से पेश आते हैं आप। यहां तक कि मैं जब भी आपके घर भिक्षा मांगने आता हूं, आप कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, हमेशा भिक्षा देते हैं। फिर इस इंसान से इतनी नाराजगी क्यों? इससे इतना गुस्सा क्यों है आप? साईं, ये आदमी मुझे पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे काम की सख्त जरूरत है, काम के लिए बहुत परेशान है ये। ईश्वर की कृपा से आपका काम तो अच्छा चल रहा है, अगर एक और इंसान को काम दे देंगे तो आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको। और अगर किसी जरूरतमंद को, किसी बेरोजगार को काम देंगे तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा, वो खुश होगा। याद रखिएगा, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। साईं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये आदमी मेरे यहां ही काम करता था, फिर अचानक छोड़कर मेरे किसी प्रतिस्पर्धी के यहां काम करने लग गया। मुझे एक बड़ा काम मिला था जो इसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अंतिम क्षणों में ये धोखा देकर चला गया था, क्योंकि ये जानता था कि जो काम मैं करने जा रहा उसके लिए मैं इस पर निर्भर हूं। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा साईं। आप तो जानते हैं साईं, एक बार ग्राहक चला गया तो वो दोबारा नहीं आता। काम बहुत बड़ा था, अगर मैं उसे करता तो मुझे और काम मिलता, मगर सब इसकी वजह से हुआ है। अब नौकरी चली गई ना तो वापस मेरे पास आया है। साईं, आप ही बताइए कि अगर अब इस आदमी को मैं काम पर रखूं तो क्यों रखूं? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। ना मुझे कुछ नहीं सुनना है रत्नाकर, कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की योजना में ना तो मेरी रुचि है और ना मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। कुलकर्णी सरकार, बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे कि व्यापार का एक उसूल है, सामने वाले की पूरी बात सुने बिना, उसका पूरा प्रस्ताव सुने बिना सौदे को हां या ना नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, जो करूंगा मैं ही करूंगा। और अगर इस बार नाकामयाब रहा तो फिर अपना यह चेहरा आपको शिरडी में कभी नहीं दिखाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि जो भी करने जा रहा हूं वो आप ही के हित में होगा। आपके पिताजी की बात अपने पास रखिए, और मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी सरकार, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है,
मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो सामने वाले को एक आखिरी मौका जरूर देता। जरा सोचिए, मैं आपसे मांग क्या रहा हूं, सिर्फ एक मौका। और यदि आप मुझे ये मौका दे देते हैं तो बहुत जल्द आप एक और गांव के राजा बन जाएंगे। हरिओम, अब तीन गांव से एक पर आ गए तुम? हाँ? लेकिन रत्नाकर राव, पानी अब सिर के ऊपर से जा चुका है। ऐसे खोखले आश्वासन बहुत बार दे चुका है तू मुझे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूं। ये खोखला आश्वासन नहीं है कुलकर्णी सरकार, मेरी खुद गवर्नर साहब से बात हुई है, वो राजी हो गए, बस उनके यहां से स्वीकृति पत्र के आने का इंतजार है। क्या चाहते क्या हो तुम मुझसे? अनुमति। शिरडी में किसानों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति चाहता हूं आपसे। देखिए, सारी बात मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकता हूं, लेकिन समय थोड़ा कम है। अगर आपकी अनुमति शीघ्र मिल जाए तो हाट बाजार बंद होने से पहले मैं नंदलाल को काम पर लगा दूं। बस थोड़ा भरोसा रखिए मुझ पर। दी, अनुमति दी। शुक्रिया सरदार। ऐसा क्यों किया? मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। सेठ जी के प्रतिस्पर्धी का भी कपड़ों का व्यापार है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। वो अक्सर मेरे पास आते थे और मुझे अपने पास काम करने के लिए कहते थे, पर मैंने हमेशा ना कहा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी, वो सेठ जी से ही सीखा। मैंने बचपन से इनके यहां काम किया, मेरी पूरी निष्ठा इनसे जुड़ी थी। पर एक दिन इनके प्रतिस्पर्धी ने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं उसे ना नहीं कर पाया। सेठ जी मुझे जितना वेतन देते थे उसे 3 गुना अधिक वेतन देने का प्रस्ताव रखा उन्होंने, और मैं लालच में आ गया, मैं लालची हो गया, मैं अपने बेहतर जिंदगी की ख्वाब देखने लगा, सपने देखने लगा। अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब सोचने लगा। और मैंने फैसला किया कि मैं सेठ जी की नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे रोका, बहुत समझाया कि वो आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है, पर मैंने सेठ जी की एक ना सुनी, उल्टा इनसे झगड़ कर इनके काम को बीच में ही छोड़कर मैंने इनके प्रतिद्वंदी के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये तो रत्नाकर का आदमी है ना? हाँ,
ये नगाड़ा क्यों बजा रहा है? सुनो 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 बंटा जी, क्या कहा नलनाल ने? सुनो। अरे लेकिन मैंने नहीं सुना, इसके लिए तो आपसे पूछ रहा हूँ बंटा जी, क्या कहा उसने? सुनो सुनो सुनो। ठीक है सरकार की जैसा आप भी मुझे डांट रहे हैं, आपका मन नहीं है बताने का तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगा। अरे अंता जी, कोई और तब भी बताएगा जब नंदलाल कुछ बोलेगा ना, सुनिए जरा। आप सब जानते हैं हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। बहुत जल्द मुझे यह एहसास होने लगा था कि नई नौकरी में ना तो इज्जत है ना काम का श्रेय। नया मालिक मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा काम ले रहा है, पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं देता था। तनाव की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। समय कम बचने की वजह से मैं अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन साई संतुष्टि इस बात की थी कि मुझे 3 गुना वेतन मिलेगा। उन्होंने केवल इसलिए मुझे अपने पास काम पर रखा था ताकि सेठ जी को जो बड़ा काम मिलने वाला था वो उनके हाथ से निकल जाए, और मतलब निकल गया तो मैं रहूं या ना रहूं इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। सेठ जी, आपने सही कहा, आपके साथ जो मैंने किया है उसके लिए मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। पर सेठ जी, मैंने अपने गलती से सबक लिया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। सेठ जी, मैं 2 महीने से बेरोजगार हूं, मुझे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए काम की जरूरत है। साईं, आप तो किसी को भी खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं। आप ही सेठ जी को बताइए ना कि मैं कैसा महसूस करता हूं, मेरे मन में भी पश्चाताप है। मैं सेठ जी से 1000 बार माफी मांग चुका हूं पर वो मुझे माफी नहीं कर रहे।